तबू, ड्यून प्रोफेसी, और फिर या टीजर भी पटक दिया उन्होंने फिर एक के हाँ बीच में रिपीट दिया भाई, वो तो उन्होंने भाई पीआर ने निकाला होगा वो अभी अभी। वही एकदम एग्जैक्ट। आई वाज लाइक एक सेकंड, ये टीजर है, ये उसी शो का है जो अभी कल न्यूज मैंने रीड करी थी कि हाँ तबू को लिया हुआ है। ओके दे भी दिया, दे भी दिया, मैं सोचा अब शूट भी कर लिया है क्या कर। ओके इंटरेस्ट, अच्छा दिख रहा है, अच्छे स्केल पे बनाया है, काफी अच्छे सेट है। मुझे थोड़ा सा और बड़ा चाहिए था स्केल इसका। क्या बात करो, टीवी भाई शो का? नहीं नहीं टीवी नहीं, शो नहीं, जो ड्यून यूनिवर्स जो है नहीं, ना नहीं, बट तुम सोचो ना 10,000 साल पहले की कहानी है वो। नहीं तो मुझे वो बड़ा चाहिए था, क्योंकि जो डेनी वेनलू सबको बड़ा ही चाहिए सेट, होता है स्केल सेट किया हुआ था तो उस हिसाब से बादल बड़ा नहीं, उसको बड़ा उसके हिसाब से वो थोड़ा सा छोटा फील होता है यहाँ पे। अरे भाई तो तुम देखो ना यार कि 10,000 साल दे हैव नहीं तो 10,000 तो भाई तो पास्ट तो और भी एपिक है। एक्चुअली नहीं, क्योंकि ये बेने जेसेरेट को दिखाएगा ना। हाँ। उनका पूरा कि वो फॉर्म हो रहे हैं और उनके आइडियाज वगैरह सेट कर रहे हैं। आखिर में डायलॉग तो बोल दिया सिस्टर हुड अब बॉल के लिटरली, मतलब बेंचारा ऑन टॉप बेंचारा। ओ भाई यार कुल देखो कोई बात, ऐसे कुल मिला जुला के ये बेनी जेसेरेट की कहानी कुछ बेबी ट्रैपर्स की है, ठीक है, मर्दों को उठा के पकड़ लेती है जो अमीर घर का लौंडा निकल लिया, तुमको सेड्यूस करके सक्स सक्स करेंगी, फिर तुम्हारा स्पर्म लेके फिर वो यू नो आई हैव गॉट इट वो बोलती है ना कि हाँ सिक्योर कर लिया है। देखो उन्होंने प्लान बनाया, देखो आदमी चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए रहता तो चूतिया ही है, ठीक है, और अपनी पावर समझो लड़कियों। वहां से बच्चा उठाया कि अब इनको हम बनाएंगे क्वाजात हैदराज, क्या नाम रखा हुआ था उन्होंने, ये हमारी प्रोफेसी पूरा करेगा। अब पूरी हो रही है 10,000 साल बाद, 10,000 साल बाद तब तक कहते 10,000 साल में कितने बच्चे निकाल दिए, तब तक करना क्या पड़ेगा, क्या कहते हैं रेवरेंट मदर ब्रीड, मतलब से उनका यही डीप फिलॉसफी रहती है रिलीजन बाकी सारे प्लैनेट्स पे ऐसे इन्फ्लिक्ट करो कि उसकी वजह से उनको कंट्रोल कर सको। तो ये उसकी ओरिजिन है, बाकी तबू किस तरीके से इसमें प्रेजेंट होगी, आई थिंक वो सिस्टर फ्रांसिस्का का वो उस तरीके से बताया गया है, जो हारकोनेन है उनका पुराना प्यार आई थिंक उस हिसाब से वो प्रेजेंट हुई है। तो आई हैव नो आइडिया, हाँ तो मैंने सिनॉप्सिस ही पढ़ा हुआ था, तो पुराने प्यार की तरह वो ऐसे तबू इंट्रोड्यूस होंगी उसमें, और बेनी जेसेरेट्स का वो एक ऑपोजिट टीम भी खड़ा होगा जो लाल लाल होंगी पूरी सब। ओके हाँ तो वो लाल लाल होंगी और मतलब वो इनको बिल्कुल अपोज करती होंगी, जैसे एक्समैन वर्सेस इनह्यूमंस नहीं होते उस तरीके से, कॉन्फ्लिक्ट के लिए कुछ तो देना पड़ेगा, और दे आर स्टार्टिंग आउट तो वो अलग टीम बना ली है, इधर अलग टीम बना ली है, एसेक्सुअल होंगी, इधर सेक्स देना नहीं सेक्स लेना इधर से बोले ये हमको इनको सेक्स चाहिए हमको सेक्स नहीं चाहिए और हम करने भी नहीं देंगे किसी को, नो वंडर दे डिसअपीयर्ड 10,000 साल बाद है जो जो राजाओं ने कहा होगा ये कैसी कल्ट है इनको तो सबसे पहले खत्म करो। पता है मैंने बाद में जब ड्यून का वो देखा कॉन्सेप्ट भाई बाद में ध्यान आया, नहीं वो जो पूरा रिचुअल चलता है मूवी में वो टीका उका लगाते हैं खून से सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं, फिर अलग टेक्नोलॉजी वाला प्लेनेट है, मैं कह बहन जो इसको एक्सप्लोर करो ना अराकिस पे क्यों अटके हुए तुम लोग यहाँ पे, फिर कहते हैं अब तो जिहाद शुरू हुआ है, अब देखो कहाँ कहाँ प्लेनेट पे जाते हैं वहाँ वहाँ मारा मारी होगी। तो मैं बड़ा फैसिनेटेड हूँ वो सैक्रिफाइस वाले प्लेनेट पे, टेक्नोलॉजी वाले बेस्ड प्लेनेट पे। हाँ पहली बार वो जब देखेंगे फ्रीमैन, बहन जो तुम्हारे प्लेनेट पे पानी है पानी है, कहते एक बार नहा के देखो कैसा लगता है मलिच इंसान। ओके हाँ तो अच्छा है, फ्यूचर बहुत अच्छा है ड्यून यूनिवर्स का, $1 बिलियन फ्रेंचाइज तो बनी गई। या डेनी सर तो मतलब किताब भी खरीद के रखी हुई है मैंने, दो दो पार्टी फाइव है शाश।